हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हुमा रिज़वान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक ट्यूटोरियल लेके, जो कि है बेसिकली इंटीग्रेशन का। आई वांट टू शो यू के हाउ टू इंटीग्रेट पाइथन, जो कि हम लोग यूज़ करेंगे अपना IDE PyCharm। PyCharm को इंटीग्रेट कैसे करते हैं फ्लास्क के साथ, ताकि आप लोग कोई भी वेब डेवलपमेंट करना चाहें, वेबसाइट को लिंक करना चाहें, बिकॉज पाइथन इज़ अ वेरी इमर्जिंग एंड इवॉल्विंग लैंग्वेज, जिसको हर कोई यूज़ कर रहा है। इट इज़ द कोर ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के लिए भी ये बहुत अच्छी है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि चैट बॉट्स आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं, तो आप लोग उसको कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू दिस। आप लोग ब्राउज़र पर लिखें और गूगल पर अगर आप लोग आएँ, तो आप लोग PyCharm आप लोगों को आसानी से मिल सकता है। यू कुड डाउनलोड इट ईजीली। और इसके आप लोग साइट पर जाएँ, फर्स्ट सेकंड लिंक होगा जिसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, तो यू विल गेट इट इट्स लिंक, और वहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई हैव डाउनलोडेड इट, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। यू कुड ऑल्सो गेट इट फ्रॉम दिस साइट। सो यहाँ पे जो है मैंने अपना खोल लिया है PyCharm को, मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैं अपना क्रिएट प्रोजेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नया प्रोजेक्ट आप लोगों को सिखाना चाह रही हूँ। तो मैं स्टार्ट से ही आप लोगों को बताऊँगी कैसे होगा। यहाँ पे आप लोग इसका कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल 1 है, सो आई एम गिविंग इट TUT1। और यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट आप लोगों ने क्रिएट करना है, सो यहाँ पे आप लोग कोई भी वर्चुअल इन्वायरमेंट ले सकते हैं, जैसे एनाकोंडा है, लेकिन मैं यहाँ पे पाइथन का ही वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं क्रिएट कर लूँगी अपने प्रोजेक्ट को। ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट क्रिएशन में, लेकिन ये हो जाएगा जल्दी। सो गाइस, फाइनली जो है ये सारा प्रोजेक्ट लोड हो गया है, एंड आई विल बी शोइंग यू कि मैं किस तरह से जो है अपनी फाइल्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको इंटीग्रेट करना। सो आई एम टेकिंग वन ऑफ दी HTML फाइल, और एक मैं ले रही हूँ फाइल पाइथन की, और मैं जो हूँ इन दोनों को इंटीग्रेट कर लूँगी आपस में। इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि दो फाइल्स आपके पास हों, उनको आप इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर मैं दो फाइल्स बना लूँगी, एक मैं बनाऊँगी HTML की फाइल और एक मैं बनाऊँगी पाइथन की फाइल। पाइथन की फ़ाइल को मैं नाम दे दूँगी main.py के नाम से, मतलब मेन एक मैं फ़ाइल बना रही हूँ जो कि पाइथन की फ़ाइल होगी। और उसके साथ ही जो है HTML5 मैं ले रही हूँ, क्योंकि HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML। HTML4 भी है, फिर XML एक अलग चीज़ आ जाती है, बट आई एम यूजिंग HTML, सो HTML5 इज़ द बेस्ट। HTML5 ले लेंगे, और इसके साथ ही उसको मैंने नाम दे दिया है इंटीग्रेट का। सो गाइस, फर्स्ट मेथड इसके आप लोग कमांड लाइन पर जाके भी चेक कर सकते हैं इसका कि क्या वर्जन है। वहाँ पे आप लोग लिखेंगे pip -- version। यहाँ पे माइनस का साइन बैकस्पेस के साथ ही आप लोगों के कीबोर्ड पे होता है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ pip। और यही कमांड आप लोग लिखेंगे विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द pip। pip को आप रिप्लेस कर देंगे विद पाइथन। आप लोग इधर पाइथन लिखेंगे तो वहाँ पर आप लोग पाइथन का वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि पाइथन का क्या वर्जन है। एंड दैट्स इट, मेरा जो pip का वर्जन आया है वो 20.0.2 है, जो कि इस डायरेक्टरी में सेव हुआ, वो डायरेक्टरी भी बता रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू इट पाइथन का जो वर्जन है वो 3.8 है। और गाइस, दूसरा जो मेथड है वो आप लोग PyCharm में जाके डायरेक्टली जो है वो सेटिंग्स में जाके आप लोग ओपन कर सकते हैं, फाइल सेटिंग्स, एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो आपका नेम है उसके अंदर ही इंटरप्रेटर की एक ऑप्शन होती है। सो यू कुड चेक इट आउट, यहाँ पे जितनी भी आप लोगों की लाइब्रेरीज इंस्टॉल हैं वो सारी की लिस्ट यहाँ पर मौजूद होती है। सो यू कुड चेक इट आउट कि pip की आप लोगों का क्या वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन क्या है, आप लोग लेटेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो पाइथन का वर्जन होता है वो भी ऊपर इंटरप्रेटर की जगह पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एंड इट्स क्लियर कि मेरे पास जो वर्जन यूज़ हुए हैं वो ये दोनों हैं।